अंग्रेजी जबान ऐसी है कि अगर आपको नहीं आती तो आप मत बोले, उसमें कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी, लेकिन अगर गलत बोले आदमी तो उसमें बेइज्जती ज़्यादा होती है। अब ये फाइव स्टार होटल्स हैं, उसमें एक लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, मेन्यू। एक साहब कॉफ़ी शॉप में बैठे कह लगे, आज मेनू की है, आज मेनू की है भाई। तो वेटर कह लगा, सर जी मेनू की पता आज तानू की है। तो हमारे एक दोस्त है, मैंने कहा आपकी तबीयत कुछ ख़राब थी पिछले दिनों, क्या हुआ? कहने के कुछ नहीं, गर्दन पे थोड़ी गिल्टी फील कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप जहाज़ पे क्यों नहीं बैठते, सफ़र क्यों नहीं करते, आप बाय रोड सफ़र क्यों करते हैं? कहने लगे मेरे को मरने का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा मरने की क्या बात है, हज़ारों लोग आते जाते हैं, आपकी मौत आएगी, वक्त आएगा, आप कहीं भी होंगे मर जाएंगे। कहने लगे मैंने तेरी बात मान ली, मैं जहाज़ में बैठ गया, मेरा वक्त नहीं आया, इन्हें पायलट का आ गया। फिर मैंने दो खवातीन की बात सुनी, कहने लगी अल्लाह सलमा मुझे वो दिन इतना याद आ रहा है जब हम लोग की नई नई शादी हुई थी। अल्लाह गर्मियों के दिन थे, हम साहिल समंदर पे गए, मिट्टी में खूब खेले, पहले उन्होंने मुझे मिट्टी में दबा दिया, फिर मैंने उनको दबा दिया। तो सहेली कहेंगी फिर, कह लेंगी फिर क्या, आज उनकी चौथी बरसी है। एक चीज़ मैं आपको सुनाऊंगा, ये एक फोर लाइनर स्किट है, छोटा सा अकेले करता हूँ मैं, इसको तवज्जो से सुनिएगा। एक आदमी रोता हुआ आया, उससे पूछा भाई क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरे को इधर पीछे डाकुओं ने लूट लिया। कहने लगे डाकुओं ने लूट, क्या क्या लूटा? बस यार पूरी ज़िंदगी की कमाई घड़ी सब ले ली, नकदी ने जेवर सब छीन लिया। कहने लगे अच्छा, तो और आपके पास जो रिवॉल्वर होती थी? नहीं यार वो छुपा ली थी, वरना वो नहीं ले लेता। कहने लगे तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं, मैं बस पछता बहुत रहा हूँ। कहने लगे अब पछतावे से क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया, अब ख़त्म कर। नहीं यार मेरी बीवी कितना बोलती थी, मैं भी चलूँगी। थैंक यू वेरी मच खवातीन आज़ाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।